हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशियाना ड्रीम टेक में। दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं खुर्जा सिटी, जो कि इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। हम इस वीडियो में आपको सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी के बर्तन और अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसकी पूरी टेक्निक और फैक्ट्री के ओनर से मिलवाने वाले हैं और अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये जो आप तीन कंटेनर देख रहे हैं, इनके अंदर चीनी मिट्टी और अलग अलग केमिकल डाले गए हैं जिनका मिक्सर तैयार किया जाता है, जिस मिक्सर से ये सभी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। दोस्तों सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी के बर्तन और डिजाइन वाली चीज़ें बनाने में खुर्जा सिटी इंडिया में नंबर वन पर है। खुर्जा सिटी में रोजगार के लिए इस उद्योग का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के बर्तन और बहुत सी चीज़ें तैयार करके इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया के सभी शहरों में भेजा जाता है। अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। खुर्जा सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा मेन काम यही है। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और एक फैक्ट्री में 100 से 150 वर्कर काम करते हैं। अभी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखते रहें। और दोस्तों ये जो आप मशीन और फर्में देख रहे हैं, इन्हीं मशीनों और फर्मों की हेल्प से अलग अलग डिजाइन के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और फिर भट्टी में पकाया जाता है, जिसका टेम्परेचर 11 से लेकर 12, 1230 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक भी होता है, जिसके अंदर इन डिजाइन की हुई चीजों को 22 से 24 घंटे रखा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही भट्टी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सभी प्रोडक्ट को तैयार करके मशीन के जरिए इसके अंदर 22 से 24 घंटे रखा जाता है और आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर 1100, 1200 या 1220 डिग्री तक रहता है। चलिए आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कितने बर्तन बना देती हो दिन में? कितने बर्तन बना देती हो दिन में? अच्छा, कैसा लगता है आपको ये काम करके? सही लगता है? मजदूरी हो जाती है? तो दिखा रहे हैं ऐसे तरीके के साथ इसको ये बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाते हैं और
मेहनत से इसको तैयार करें। चाचा क्या नाम है आपका? मुजाबिर अली जी। मुजाबिर जी ये क्या बना रहे हैं आप? जार बना रहे हैं। जार बना रहे हैं। एक दिन में कितने जार बना देते हैं? तो ये बता रहे हैं कि जार यहाँ पर बनाते हैं और ये भाई भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ इसको देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपने देखे होंगे घर के अंदर जो ये बर्तन बनाए जाते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, सामान होते हैं। और ये भी यहाँ मौजूद हैं जो राजस्थान से आए हैं यहाँ पर इसको वीडियो को बनाने के लिए। खूबसूरत खूबसूरत बर्तन दिखा रहे हैं आपको, अभी ये पॉलिश होएगा इन पे, भट्टी में तैयार किया जा रहा है। प्रमोद भाई क्या बना रहे हैं सब आप लोग? हम बना रहे हैं जार हांडी। जार हांडी ये क्या है? इसको ये जो हम जार हांडी देख रहे हैं इसमें चाची पेंट कर रही हैं, पेंट करने के बाद क्या होएगा इसका? कब पकेगा माल? उसके बाद तो पैक होएगा। पैक होने के बाद फिर ये बाजारों तक जाता है। बाजार कर रहा है और का। अच्छा, अलग अलग तरीके, जैसे अभी आपने बताया जार हांडी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं चार नंबर जार। यानी ये किस काम आता है? ये काम आता है चार डालने के काम। अच्छा अच्छा भाई। ये क्या बोलते हैं इसको? हांडी बोलते हैं। हांडी। अच्छा, हांडी बोल। चलिए मिलाते हैं आपको पांडे जी से जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं। जैद भाई थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कहाँ से ताल्लुक है, कितने दिन से आप लोग इस प्लांट को रन कर रहे हैं? हम लोग करीबन इसको 12-13 साल से कर रहे हैं। तो इसमें इसके ग्रामीण क्षेत्र में इसका रोजगार का भी काम करता है? हाँ, करीबन हमारे पास अभी 100-150 दिन। तो इसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ कहाँ से आपका? गुजरात, राजस्थान आपका, और कर्नाटका, और कुछ तेलंगाना। तो सप्लाई आप लोग देश में करते हैं या एक्सपोर्ट वगैरह? एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरे देश में। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा इनका जो है वो तमिलनाडु है। अभी आपसे मुलाकात कराते हैं हम जो इनके इंचार्ज हैं इस प्लांट के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी जो इसको चलाते हैं जी। ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित पांडे है। तो रोहित पांडे जी आप इसको संभालते हैं, तो कितना स्टाफ है अभी आपके पास? मेरे पास यहाँ पे इस वाली यूनिट में होंगे करीबन 110 110+। तो आप थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है? क्या देखिए, पार्ट फिल्सपार इस्तेमाल होता है और बॉल क्ले इस्तेमाल होती है, बीकानेर है, थान क्ले है आपका, अहमदाबाद क्ले है, बिहार वाली है जी। तो इसको आप इसका भी कुछ बता रहे थे कि ये क्या चीज़ है जो आप? ये फाइबर है, ये टनल के यूज में आता है हीट में। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तो क्या स्टेप वन? सबसे पहले स्टेप वन इसका ये है कि सबसे पहले तो स्लीव हाउस में मटेरियल आकर के उतरता है। स्लीव हाउस में मशीनें होती हैं जो इसको ग्राइंड करती हैं, ग्राइंड करने के बाद इसकी क्ले बनती है जिसकी मेकिंग होती है फैक्ट्री में। मेकिंग के बाद में ये फिनिशिंग में जाता है, फिनिशिंग के बाद इस पे ग्लेज होता है, ग्लेज के बाद ये टनल क्लेन में होता है। टनल क्लेन से ये 18-20 घंटे में बाहर निकलने के बाद फिर ये पैकिंग प्रोसेस में चला जाता है। ये भट्टी जो अभी हम देख रहे थे, तो इसका भट्टी का टेम्परेचर वगैरह क्या रहता है? इसका भट्टी का टेम्परेचर 1190 अप टू 1210 डिग्री सेल्सियस।
तो कितना टाइम के लिए भट्टी में रखते हैं इसको? इसको ये 18 घंटे से 20 घंटे 24 घंटे तक भट्टी में। इसके बाद इसको पॉलिश वगैरह क्या होगा? इसके बाद फायरिंग के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है पीस। कंप्लीट होने के बाद पैकिंग डिपार्टमेंट में आता है। पैकिंग डिपार्टमेंट में आने के बाद लोगों के घरों में होले होले चला जाता है मार्केट। तो जैसा ऑर्डर होता है उस तरीके से ही आप तैयार करते हैं या एक रैंडमली सब कुछ तैयार करते रहते हैं? ऑर्डर के ऑर्डर हमारे प्रॉपर ऑर्डर चलते रहते हैं। तो डिजाइनिंग वगैरह भी खुद करते हैं या? हाँ, मॉडलिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह मैं खुद करवाता हूँ। आरएनडी पूरा हमारा खुद का है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुन लेते हैं आप गौरव पांडे जी को। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक शोरूम में, जहां पर आपको अलग अलग डिजाइन की कलाकारी देखने को मिलेगी। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये फैंसी एम्पोरियम के नाम से एक शोरूम है क्रोकरी का, जहां से आप सस्ते में बिजनेस करके आप अपना क्रोकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर सेरेमिक या क्रोकरी होलसेल रेटों में बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाती है, जिससे आप अपना क्रोकरी का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, इनके कॉन्टैक्ट नंबर और इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यह थी खुर्जा की कुछ जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।